हे गाइस, रुको रुको रुको, वीडियो लाइक मत करना। बस ये बताइएगा कमेंट में आप कहाँ से हो, मैं भी तो देखूं मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। महीने में मौसम जून चाहिए, ऐ जिंदगी और कुछ भी ख्वाहिश नहीं मेरी, ऐ जिंदगी और कुछ भी ख्वाहिश नहीं मेरी, एक कप चाय, एक वो और सुकून चाहिए। भाई तेरे टिकटॉक पर 8 मिलियन कंप्लीट हो गए। क्या बात कर रहा है भाई, एक जोक बना दूं? नहीं भाई रहने दे, तेरे पापा ने 25 साल पहले एक जोक बनाया था, अभी तक लोग हंस रहे। मतलब तू रहने दे भाई, समझने वाले समझ गए। मेरे बाबू से, अच्छा मेरे सोना से, ओहो मेरे जानू से, थप्पड़ लगा ना दिमाग। तेरी मम्मी, तेरे पापा, तेरा भैया, तेरा चाचा, तेरा दादा, तेरी नानी, तेरी जमुना नगर वाली मम्मी। कमाल है, कमाल है। पहली तकनी दे विच ही राम जी दा कर गे शिकारनी, काली मेरी गड्डी विच बह जा इक बार नी, बह जा इक बार नी, काली मेरी गड्डी विच बह जा इक बार नी, लॉन्ग ड्राइव उत्ते तेनू ले जू तेरे यार नी। क्या था ये? अरे यार रोज का नाटक है, छोड़ यार। वैसे तू क्यों सिंगल है? अपने कुत्ता बनने का शौक नहीं। अब मेरी बारी है तेरी बातों का, सीधा जवाब है, मैं बदतमीज, मेरी आदत खराब है। काले मैं आ गया, बे तू बार बार अपने वॉलेट में क्यों देख रहा है? अरे ये मेरी बीवी की फोटो है, जब सुंदर लगेगी मतलब चढ़ गई है। मेरा बेबी, मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा जानू, मेरा बेबी, मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा जानू, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया। मुझे पता है मुझे कितने दूर दूर से रिश्ते आ रहे हैं। हाँ नजदीक वाला वो तो पहले काट चुकी है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। तू मुझ पे खुद को दे लूँगा, तुझे तुझ से तोड़ लूँ, कहीं खुद से जोड़ लूँ, मेरे जिस्म हो जाओगे यार। देखो भी बदल दी वेखी मैं चाचू, बदल दा वेखी ए खाला, बदल दी वेखी मैं ताया, बदल दा वेखिए मामू, बदल गया मेरा। Thank you.
मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। अरे क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? यार मेरी किस्मत इतनी खराब है, मैं अभी तक सिंगल हूँ। शक्ल कौन सी अच्छी है? सर इज द पूल? इट्स बियॉन्ड दैट। थैंक यू सर। व्हाट बोल। ब्रेकअप? ब्रेकअप दिया। भाई बहुत बढ़िया। पहले बुरी बात सुनोगी या अच्छी? बुरी बात। मेरे घर वाले मेरे किसी और के साथ शादी करा रहे हैं। पर बेबी मैंने पहले बुरी बात सुनाने बोला था।